हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफाइन करने वाले हैं रेगुलर ग्राफ को विद एग्जांपल्स। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ जी इक्वल टू वी ई, कोई ग्राफ है जी इक्वल टू वी ई जिसमें वर्टेक्स का सेट वी है, एजिज का सेट ई है, इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। ये ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाएगा? हमारा रेगुलर ग्राफ कहलाएगा इफ ऑल द वर्टिसेस इन जी आर ऑफ इक्वल डिग्री। ठीक है, अगर इस ग्राफ में सभी वर्टिसेस इक्वल डिग्री के हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा ग्राफ रेगुलर है। फॉर एग्जांपल, ये ट्रायंगल मैंने लिया, इसको हम यू वी डब्ल्यू वर्टेक्स का नाम दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिग्री वी की निकालेंगे तो 2 आएगी, क्योंकि दो एजेज इस पर इंसिडेंट है। डिग्री यू की निकालेंगे तो वो भी 2 आएगी, दो एजेज इंसिडेंट है। ऐसी डिग्री डब्ल्यू की निकालेंगे तो वो भी 2 आएगी, क्योंकि उस पर भी दो एजेज इंसिडेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो तीनों वर्टेक्स है तीनों की डिग्री इक्वल है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा ग्राफ है? रेगुलर ग्राफ है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, 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 तो ये भी हमारा कैसा ग्राफ होगा? रेगुलर ग्राफ होगा। सेम तरीके से ये वाला अगर ग्राफ देखें तो इसमें आप सभी वर्टिसेस की अगर डिग्री देखते हैं तो इस वर्टेक्स पर 3 एजेस इंसिडेंट है तो 3 डिग्री होगी, इस वर्टेक्स पर भी 3 एजेस इंसिडेंट है तो 3 डिग्री होगी, यहाँ पर भी 3 डिग्री होगी, यहाँ पर भी 3 डिग्री, इस पर भी 3 एजेस इंसिडेंट है 3 डिग्री, इस पर भी 3 एजेस इंसिडेंट है 3 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी कैसा ग्राफ है? ये भी हमारा रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, जिस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की सेम डिग्री हो वो हमारा रेगुलर ग्राफ होता है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये होता है यूटिलिटी प्रॉब्लम। ग्राफ थ्योरी में यूटिलिटी प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हमने 3 हाउस लिए, एक को मैंने मान लिया हाउस नंबर 1, एक को मैंने मान लिया हाउस नंबर 2, एक को मैंने मान लिया हाउस नंबर 3। 3 यूटिलिटीज़ आप जानते हैं जो बेसिक नीड होती है, गैस, दूसरा वाटर एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक नीड है हमारी, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं किसी भी हाउस को ले ले आप, तीनों की नीड होगी ही होगी, यानी कि इस हाउस को गैस की भी नीड होगी, इस हाउस को वाटर की भी नीड होगी, इसको इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड होगी, इसको भी सेम होगा, इसको भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, मतलब हाउसेस को और गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को हम वर्टेक्स का नाम दें और ये एजेस हमने रिलेशनशिप इनके बीच में डिफाइन की ही है, तो ये हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना, और इस ग्राफ में अगर आप किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालते हैं, इस वर्टेक्स की डिग्री निकालेंगे 3 एज इंसिडेंट है तो 3 डिग्री, इसकी निकालेंगे तो 3 एज इंसिडेंट है 3 डिग्री, इस पर भी 3 एज इंसिडेंट है, इस पर भी 3 एज इंसिडेंट है, इस पर भी 3 एज इंसिडेंट है, इस पर भी 3 एज इंसिडेंट है। ठीक है, तो सभी वर्टिसेस के यहाँ पर 3 डिग्री है, इक्वल डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा ग्राफ होगा? रेगुलर ग्राफ होगा। मतलब अगर हम यूटिलिटी प्रॉब्लम को ग्राफ थ्योरी में ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक रेगुलर ग्राफ को बनाता है। आज की इस वीडियो में